हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विद 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड 5.4 ग्राम ऑफ H2O दैट इज वाटर। द डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो एक बार इसको ना इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि आपका एक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से CXHY है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसका कितना वेट लिया है, हाइड्रोकार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 11.2 ग्राम लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड 8.8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ है 5.4 ग्राम। सो अगर मैं रिएक्टेंट साइड का टोटल वेट देखूं तो कितना हो जाएगा, 11 + 3 14.2 ग्राम, और अगर प्रोडक्ट साइड का पूरा वेट देखूं तो ये हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा 14.2 ग्राम। सो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना ही क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये जो डेटा है ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज वन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो रेस्ट ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो जाते हैं। क्लियर, मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ होता है इसका मतलब क्या है कि अगर आपके दो सब्सटेंसेस है ए और बी, ठीक है, सो ए और बी जब कंबाइन कर रहे हैं तो वो ए बी बना सकते हैं, और ए और बी अगर इस तरीके से कंबाइन करें तो वो ए बी टू बी बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने ए के मास को फिक्स कर दिया तो जो बी का जो मास होगा, जो मास रेशो होगा, वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आएगा, तो उसे हम मल्टीपल प्रोपोर्शन कह देंगे। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई भी आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है और वो प्योर सब्सटेंस अगर किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि वाटर ले लो, H2O ले लो, NH3 ले लो, CH4 ले लो, Cl2 ले लो, तो एनी कंपाउंडेड है, ग्लूकोज ले लो, तो इनके अंदर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उनका एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन रहेगा, चाहे आप कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, मास रेशो रहेगा, चाहे आप वो जो वाटर है वो कहीं से भी सोर्स करो या प्रोड्यूस करो। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि आपका ए और बी कंबाइन करके सी बनाते हैं। ठीक है, बी और आपका ए और डी कंबाइन करके आर बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों रिएक्शंस में अगर मैंने ए के मास को फिक्स कर दिया तो बी और डी का जो मास रेशो होगा वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होगा। सिमिलरली अगर आप बी और डी को कंबाइन करके अगर प्रोडक्ट क्यू बनता है तो इस रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन के अंदर भी बी और डी का एक सिंपलेस्ट होल नंबर का मास रेशो रहेगा। ठीक है, सो ये होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। सो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।